साथियों दोस्तों और मेरी बहनों, मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आज अलीगढ़ के अंदर एक ऐसी सभा का हिस्सा हूँ जहाँ समाज को बदलने की बात हो रही है, जहाँ समाज को दलित वर्ग को, कमजोर लोगों को, पिछड़े लोगों को यह आह्वान किया जा रहा है कि वो देश के अंदर आगे बढ़े और सत्ता बदलता करे, दलित पिछड़े कमजोर चले सत्ता की ओर। हमें राजनीतिक सत्ता की तरफ आना होगा, हमें वक्त के साथ समझना होगा, वक्त के साथ बदलना होगा। हिंदुस्तान के अंदर जो ताकतें हैं, जो हुकूमत में हैं, वो बराबरी बर्दाश्त नहीं करती और हम बगैर बराबरी के रह नहीं सकते। यही लड़ाई का एक मुद्दा है। इस लड़ाई के अंदर हमें अपना सब कुछ दांव पे लगाना है, हमें अपनी मेहनत, हमें अपनी दौड़ सब कुछ बर्बाद कर देना है, तभी हम ये लड़ाई जीत सकते हैं। हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि हम एक ऐसे समाज में रहते थे जहाँ इंसान को साथ लेने का भी हक नहीं था, जहाँ पर कुछ लोगों को जुल्म करने का, ज्यादा करने का, नाइंसाफी करने का हक हासिल था, ये उनके धर्म का हिस्सा था। इस देश के अंदर 8वीं सदी में जब इस्लाम फैलने लगा तो लोगों को लगा नहीं हम सूद भाइयों को भी मंदिर में आने का मौका दें, मंदिर के बाहर कीर्तन का मौका दें। 8वीं सदी में सूद भाइयों को कीर्तन का मौका मिला। 1000 साल गुजरने के बाद भी जब उन लोगों ने यहाँ राम मंदिर बनाया तो कस्ट में एक भी बैकवर्ड भाई, एक भी पिछड़े भाई को मेंबरशिप नहीं दी। मंदिर के अंदर दो तरह के लोग होते हैं, पुजारी और भिखारी। तो पुजारी आप बनेंगे, माल आप बांटेंगे और भिखारी हमारा बैकवर्ड भाई बनेगा, ये नहीं चल सकता, ये नाइंसाफी नहीं चल सकती। यही आवाज है, यही पंच की आवाज है कि हमें नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करना, ये लड़ाई कैसे होगी। मुझे बड़ी खुशी है कि सभा के अंदर हमारी महिला बहनें मौजूद है। मैं कहना चाहूंगा महिला वालों कि माइकल फ्रॉस्ट ने कहा कि अगर इफ यू एजुकेटेड मैन यू एजुकेटेड मैन, इफ यू एजुकेटेड वुमन यू एजुकेटेड जनरेशन। औरत को पढ़ाने से, शिक्षा देने से एक नस्ल बदलती है, आदमी को पढ़ाने से जो विकास भी बदलता है। तो बड़ी खुशी है कि चाहूंगा अपनी बहनों से कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, शिक्षित बनाइए, ताकि वो बाबा साहब के अम्बेडकर के इस मिशन को पूरा करें कि शिक्षित बनिए, संघर्ष करिए और आगे बढ़िए, समाज के अंदर सत्ता में कब्जा करिए। बड़ी खुशी है इस बात की कि अम्बेडकर वादी लोग हिंदुस्तान के अंदर इन ताकतों से कब्जा कर रहे हैं, वो आगे आ रहे हैं एक मुहिम के तौर पर, एक मिशन के तौर पर। इसलिए समाज के अंदर तरक्की के लिए जरूरत है कि वहां